हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है बीपीएससी के शिक्षक बहाली को लेकर, जहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट 2 से संबंधित अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी ज्वाइनिंग को लेकर जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, इसमें क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे पिछली बार जो कि अपना जो है डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगा कर भी एंट्री किए थे। उन सबसे भी बचने के लिए और कुछ प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप नियुक्त शिक्षक हैं तो। ये क्या प्रोसेस है, चूँकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका पता ही है, रिजल्ट आ चुका है आपका, डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉटमेंट जो किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट जो दिया गया है, उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देकर उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे और अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है वहाँ पर जाने से पहले। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको वहाँ से बाहर किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बता दें कि जिन छात्रों का, जैसे कि आपको ना यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान एक आमंत्रण पत्र दिया जाएगा, वो आमंत्रण पत्र और जो होगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र उस पे, और जो आपका पदस्थापन पत्र होगा, पदस्थापन यानी कि जब आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे तब, वहाँ पे आपको एक QR कोड दिया जाएगा। ये QR कोड तीनों का मैच होना चाहिए, किससे, तो आपके आमंत्रण पत्र से, औपबंधिक नियुक्ति पत्र से और पदस्थापन पत्र से, तीनों में QR कोड सेम होना चाहिए, मैच कराना अनिवार्य होगा। और दूसरा यहाँ पर किया गया है कि बायोमेट्रिक जो होगा आपका, जो थंब इम्प्रेशन लिया गया था, वो थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक से मिलान करना अनिवार्य होगा। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जब आपकी यहाँ पे इन सब प्रोसेस से आप पार कर जाएंगे तो आप अपने जिस स्कूल में हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ जाकर कंप्यूटर पर योगदान देंगे। कहाँ पर, कंप्यूटर पर योगदान देंगे अपने DEO कार्यालय में, यानी कि DEO ऑफिस में, जो कि आपके शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके समक्ष होकर। तो ये एक प्रोसेस जो है दिया गया है दोस्तों, ये एक नया बदलाव है जो कि आपकी ज्वाइनिंग को लेकर हो रहा है। अब देखिए जो विषय है, ये क्या कहा गया है कि जो छात्र सप्लीमेंट्री, अभी रिजल्ट हाल ही में BPSC TRE 1 का दिया गया, जो छात्र BPSC TRE 1 से पास हुए हैं, परीक्षा फल आया है उनका, और जो छात्र 27/2023 यानी कि BPSC TRE 2 का जो एग्ज़ाम देकर उनका परीक्षा फल दिया गया है, उन सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के संबंध में अपडेट है। ये अपडेट जो दिया गया है दोस्तों, इसके संबंध में यही सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इन तीनों चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला कदम है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग सा उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पदस्थापन पत्र में मूल QR कोड है ना, ये मूल QR कोड का मैच कराना अनिवार्य होगा। ये पहला काम करना होगा। ये क्यों करवाया जा रहा है, तो ये इसलिए करवाया जा रहा है कि ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। ये शिक्षा विभाग का आदेश है। BPSC ने हाल ही में आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान करवाना अनिवार्य होगा। तो हाल ही में आपसे जो प्राप्त किया है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के दौरान आपका बायोमेट्रिक लिया है, तो उससे भी आपका जो है थंब इम्प्रेशन चेक किया जाएगा। तीसरा कदम क्या होगा, तो विद्यालय जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आपका पद स्थापन किया जाएगा, उसके बाद जब आप विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लेंगे, तब विद्यालय योगदान पर आपका संबंधित विद्यालय जो होगा उसके अध्यापक को, यानी कि आपको, और शरीर लेकर, यानी कि अपने आप के साथ जाकर और अपने प्रधान अध्यापक के साथ जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ये दोनों उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी आपका कंप्यूटर पर योगदान लेगा, जिसकी स्वीकृति मिलेगी, और पुनः फिर आपका एक बायोमेट्रिक यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपका मिलान होगा, तब जाके सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय अध्यापक जो होंगे वही व्यक्ति है जिसने BPSC विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और जब देखिए आप DEO ऑफिस जाएंगे तो कंप्यूटर पे ज्वाइनिंग होगी। कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले उपरोक्त सभी कदमों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, यानी कि क और ख वाला जो सेक्शन है ये आपका हो जाना चाहिए, तभी आप जाएंगे DEO ऑफिस। दूसरा अपडेट में भी यही सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन कुछ और कदम लिखे गए हैं यहाँ पे, देखिएगा। पहला कि जिन अभ्यर्थियों के पास, जिन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। तो पहला आपको काम क्या करवाना है, अपना जो मोबाइल है वो आपको आधार कार्ड से लिंक करवा के ले जाना है, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय डाला हुआ है। दूसरा यहाँ पे स्टेप क्या है कि BPSC से हाल ही में बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी करना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से भी मिलान करना अनिवार्य होगा, जैसे कि अभी ऊपर कहा गया है।
तीसरा कदम, काउंसलिंग में अभ्यर्थी के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो मोबाइल नंबर आप लेके जाएंगे उसी पे OTP आएगा। OTP तभी आएगा जब आपका आधार और मोबाइल एक दूसरे से लिंक होगा। चौथा कदम, काउंसलिंग स उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पद स्थापन पत्र के क्रम में QR कोड का मैच कराया जाना अनिवार्य है, जो कि ये स्टेप मैंने ऊपर आपको बताया है। इसमें तीन चीज़ें हैं जब आपको मिलेगा, एक तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र, एक आपको आमंत्रण पत्र और एक जो है आपका जब ज्वाइनिंग करेंगे तो पद स्थापन पत्र। ये तीनों का एक ही QR कोड मैच होना ज़रूरी है। ये मैच होगा तभी आप उस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। पांचवा कदम, विद्यालय पद स्थापन के बाद जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें तब विद्यालय योगदान पत्र संबंधित विद्यालय अध्यापक को अपने साथ ले जाकर अपने DO कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पर जो है अपने जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके समक्ष होकर उनका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन एक बार फिर से करवाएंगे और उसके बाद वो विद्यालय अध्यापक की जो है शिक्षक बन सकेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसका BPSC का। ये कार्य करना है दोस्तों, ये सारी जानकारी दी गई है आज के अपडेट में है एक, और ये 25 तारीख को जो है कल देर रात जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया है कि इस प्रोसेस में जाके जो है आप लोग अपना योगदान करेंगे। तो योगदान करने की ये प्रोसेस दी गई है जो कि शिक्षा विभाग से अपडेट की गई है। एक और अपडेट कल दिया गया था दोस्तों, जब आप लोगों का रिज़ल्ट सारा दिया गया था 11th 12th का, और यहाँ पे जो है शिक्षक बनना चाहते हैं यहाँ के उनके लिए था, लेकिन जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा समझना ज़रूरी है। कुछ लोगों को यहाँ से डिबार्ड किया गया है और ये डिबार्ड किया गया है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनको एक साल के लिए बैन भी किया गया है यहाँ से। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। ये छात्र अब जो है BPSC का शिक्षक बहाली का ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आइए वो देखते हैं कौन कौन से छात्र हैं यहाँ पे। ये सूचना है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर TRE 1 26/2023 विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष और आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि जो भी प्रकाशित परीक्षा फल का कटऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद उनका नाम या रोल नंबर चयन सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आयोग के संज्ञान में इस तरफ से मामले आने के उपरांत यहाँ पर आयोग ने आवश्यक सूचना भी दी थी। यहाँ पर ग्रीवियांस पोर्टल क्रिएट भी किया था इनके लिए, जहाँ पे 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जो है वैसे अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना था। ऑनलाइन आपत्ति पत्र मांगी गई थी, ये भी चीज़ें आपको देना था। कुल 1756 अभ्यर्थी थे ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन आपत्ति भी किए थे। अब इनमें से जो है 741 वैसे अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पाए गए जो कि बिना शपथ पत्र के थे और इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। तो उनमें से 171 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें कि वस्तु यह उल्लेख किया गया है कि मुझे अनजाने में गलती हो गई है और ये अनुत्तीर्ण होने के कारण यहाँ पे जो है गड़बड़ाहट में शपथ पत्र नहीं दे सके हैं, तो भूलवश जो है अपलोड नहीं कर पाए हैं अपना शपथ पत्र, ये जानकारी दी गई। तो वैसे सभी अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र के साथ आपत्ति दिया गया कि उनकी आपत्ति आलोक के जाँच में जाँचोपरांत पाया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन में दिए गए जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया गया है, जिस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आरक्षित कोटिवार अर्हतांक लाना अनिवार्य है अवलोकन नहीं किया गया है इनका, और गलत ढंग से ये जो है दोषपूर्ण रूप में यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिए थे जो कि सही नहीं है। तो ये 741 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जांच किया गया और डुप्लीकेट अनुक्रमांक को भी छोड़कर यहाँ पर देखा गया कि 171 अभ्यर्थियों द्वारा अपनी गलती को मानते हुए स्पष्टीकरण यहाँ पे अनुरोध किया गया है जो कि निम्नवत है, और ये उनके रोल नंबर्स हैं, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं ये उनके रोल नंबर्स हैं। और यहाँ पे सूचना भी दी गई है कि इनको एक साल के लिए डिबार्ड किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों का स्पष्टीकरण समुचित नहीं मानते हुए इसके विरोध में आयोग ने यहाँ पर एक भ्रामक सूचना फैलाने के लिए आरोप लगाया है इन छात्रों पे और छवि को धूमिल किया है BPSC के, जिसको लेकर इनको छिपाने के लिए बरामद जितने भी बर्बाद किए गए इसका समय, इनका बहुमूल्य समय हो, इनके लगे हुए मूल्य धन हो, उनको लेकर उपरोक्त दर्ज क्रमांक में सभी अभ्यर्थियों को BPSC के द्वारा पटना आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए एक साल के लिए है ना 31/12/2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये एक साल तक जो जितने भी रोल नंबर वाले छात्र हैं ये अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों। ये जो नीचे लिस्ट दिया गया है ये भी 413 छात्रों को डिबार्ट किया गया है,
इस लिस्ट को भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। और ये 413 छात्रों को क्यों डिवाइड किया गया उनकी सूचना इसमें दी गई है, तो इसको भी आप लोग एक बार एक झलक जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ से अप टू डेट हो सके। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 741 अभ्यर्थियों का तो शपथ पत्र था ही लेना था, 171 को डिवाइड कर दिया गया। जो उनमें से 413 ऐसे थे जो कि पूर्व में समर्पित किए गए थे शपथ पत्र उनका, डुप्लीकेट एडमिट जो रोल नंबर को छोड़कर, तो उनका भी 413 लोगों का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आयोग कृत्यों पर यानी कि इन सभी तथ्यों पे गलत ढंग से यहाँ पे चर्चा किया गया है और भ्रामक आरोप लगाया गया है जिसको लेकर आयोग की छवि को धूमिल किया गया है, इस बात की यहाँ पे जिक्र की गई है, जिसके लिए लेकर यहाँ पे इनको 3 साल के लिए बैन किया गया है। मतलब ये 413 अभ्यर्थी हैं इनको 3 साल के लिए बैन किया गया। यहाँ पर उनका जो है रोल नंबर में लिस्ट में नाम है, ये देखिएगा ये जो लिस्ट में रोल नंबर है, इनको 3 साल के लिए बैन किया गया। तो ये अपने बचाव में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिए थे जिस कारण से इनको डिबार्ड किया गया है। तो ये सूचना थी दोस्तों यहाँ से जो कि अप टू डेट की गई है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।